आज के इस चैप्टर में हम देखते हैं कि गिटहब पे सोर्स कोड या अपना प्रोजेक्ट अपलोड कैसे किया जाता है, कोई भी फाइल अपलोड कैसे किया जाएगा गिटहब पे। तो सबसे पहले हमें रिपोजिटरी बनानी चाहिए। तो अब आप कहेंगे रिपोजिटरी क्या होता है, तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ पहले। और यहाँ पे देखो एक न्यू फोल्डर दिख रहा है, तो इस न्यू फोल्डर का नाम बदल देता हूँ मैं और कर देता हूँ FACE, फेसबुक। अब आप मान लो कि ये फेसबुक है, राइट। और फिर इसका न्यू टेक्स्ट का नाम बदल के मैं इंडेक्स कर देता हूँ और इसको मैं राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ और यहाँ पे HELLO कर देता हूँ। वो अलग बात है कि HTML में हेलो नहीं लिखा जाता, लेकिन मैं छोड़ दे रहा हूँ यही लिख करके। तो अब आप देखो, ये जो फेसबुक नाम का फोल्डर बना है, आप मान के चलो कि जो फेसबुक नाम का फोल्डर है यही रिपोजिटरी कहला रहा है गिट के अंदर या गिट हब के अंदर। अब इसके अंदर ये जो फाइल है ये सोर्स कोड है, तो इसको हमें अपलोड करना है गिट के अंदर। तो रिपोजिटरी में एक बना देता हूँ आपके सामने, देख लो। पब्लिक करता हूँ मैं, पब्लिक प्राइवेट में क्या अंतर वगैरह ये सब देखेंगे लेटर ऑन हम। अभी देखो बन के रेडी हो गया। यहाँ पे अपलोडिंग दिख रहा है, अपलोडिंग पे मैं जाऊँगा। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है। सीधा मैं क्या करूँगा, आप देखो इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा ऐसे। आप गूगल ड्राइव पे भी ऐसे ही अपलोड करते थे ना, कुछ अपलोड कर दिया यहाँ पे, देखो अपलोड हो गया। अब यहाँ पे कुछ कह रहा है डिस्क्रिप्शन, मैं कुछ लिख करके कमिट बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ही कमिट बटन पे मैं क्लिक किया और ये जो है अपलोड हो गया, अभी देख लो ये। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हेलो आ गया, पर मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसे अपलोड करेंगे ठीक नहीं है, तो हमें अपलोड ऐसे नहीं करना है। मैं देख लो रिपोजिटरी यहाँ सेलेक्टेड है, मैं जाऊँगा सेटिंग में और इसको मैं करूँगा डिलीट। सबसे लास्ट में आ गया, कर दिया डिलीट। तो ऐसे डिलीट ऐसे जो है अपलोड नहीं किया जाता। ये मैं डेमो के लिए थोड़ा सा दिखा दिया कि इस तरह से भी आप इस तरह से अपलोड कर दिया जी, गूगल ड्राइव के जैसा आसानी से। तो मैं ये रिपोजिटरीज पे आऊँगा और न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ YOUTUBE, यूट्यूब लिख देता हूँ मैं, जस्ट ऐसे ही पहचान के लिए। चाहे फेसबुक में लिखता हूँ, ये FACEBOO, फेसबुक लिखता हूँ मैं, राइट। और पब्लिक है, ये रीडमी फाइल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं इसको डाल चाहे छोड़ देता हूँ, क्या करेंगे, रहने दो ये बस रहे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। लाइसेंस और गिट इग्नोर इसको हम देखेंगे लेटर ऑन। तो रिडमी फाइल यहाँ पे आ गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि रिडमी फाइल के अंदर आखिर लिखा क्या है। तो ये कुछ लिखा नहीं है, बस फेसबुक लिखा हुआ है। अब मैंने फेसबुक इसका नाम क्यों दिया, बस ऐसे ही दे दिया प्रोजेक्ट का नाम जो है अपना, क्योंकि मैंने यहाँ पे फेसबुक नाम से फोल्डर बनाया है। तो ये रिपोजिटरी और इस रिपोजिटरी का एक ही नाम मैंने दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक नाम देना है। मैंने दिया है, आप हो सकता है अलग अलग भी कर सकते हैं, राइट। तो अब चलिए, यहाँ से डाउनलोड हो सकता है जिप में भी ये। तो अब हमें क्या करने का, अब मैं आता हूँ फेसबुक को ओपन करता हूँ ऐसे, इसको मैं बड़ा करता हूँ और राइट क्लिक करके कर देता हूँ गिट बैश हेयर ओपन, हो गया ओपन। अब जब आप पहला बार, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कमांड लिख रखे हैं, आप लोग को देना भी होगा इसलिए। तो मैंने यहाँ पे जो कमांड लिख रहे हैं, देखो सबसे पहले इस कमांड को यहाँ पे कॉपी करिए और यहाँ पे आके पेस्ट करिए, राइट क्लिक, और मैं यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये जो कुछ फालतू का चीज़ें आ गया है इसको मैं कर दूँगा ऐसे गायब। और फिर जो है योर नेम है, तो नेम के पास मैं क्या करूँगा, कर दूँगा SEMANT, एंटर कर दिया, ये सेट हो गया। अब इसके बाद मैं अप एरो दबाऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा ईमेल, ईमेल, और यहाँ पे @gmail.com, MailSHR, ये ईमेल अपना डाल दिया।
जब आप गिट नाम का सॉफ्टवेयर मतलब ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, तब पहला बार एक कमांड बस चलाना है, एक बार सिर्फ चलाना चलाना है, और पहला बार चलाना है फिर सिर्फ। और जब भी इंस्टॉल होगा तब इंस्टॉल होने हो जाने के बाद एक कमांड चला दिए, फिर आप एक कमांड नहीं चलाना है दोबारा, कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। इसलिए मैं कर देता हूँ क्लियर, हट यहाँ से, हो गया। अब चलिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये फेसबुक वाला जो रिपोजिटरी है इसी को मेरे को अपलोड करना है वहाँ पे गिट पे। तो फेसबुक फोल्डर के अंदर ये सोर्स कोड है, यहाँ पे अभी एक ही है, हो सकता है अनेकों सोर्स कोड हो। तो चलिए कैसे किया जाए। सबसे पहला कमांड है गिट इनिट। गिट इनिट का मतलब होता है, देखो गिट को मैंने फेसबुक फोल्डर के अंदर यहाँ पे खोल रखा है, तो गिट इनिट कमांड जैसे मैंने चलाया तो ये कह रहा है इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। ये देखो यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे शो कर रखा है इसलिए आ रहा है, लेकिन मैं इसको हाइड कर दूंगा, आप इसको इग्नोर करें अभी। तो हो गया, तो इनिट कमांड कमांड चलाने का मतलब ये है कि गिट जो है इस फोल्डर को, इस रिपोजिटरी को ट्रेस करेगा, ट्रैक करता रहेगा कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस नहीं हुए हैं, मतलब गिट को हमने स्टार्ट कर दिया, राइट। चलिए अब अगला कमांड क्या है। अगला कमांड है गिट ऐड। गिट ऐड लिखने के बाद फाइल का नाम हमें लिखना चाहिए, तो इंडेक्स डॉट TXT कर देता हूँ मैं, TXT नहीं HTML करूँगा, और मैं इसका भी नाम चेंज करके HTML ही कर देता हूँ, HTML, मेरे को HTML फाइल अपलोड करना है, हो गया। तो गिट ऐड कमांड क्या करता है कि जो जो फाइल हमें अपलोड करना है गिट हब पे, उन सभी फाइल को सिलेक्ट करने का काम करता है कि भैया हम लिस्ट बना के आपको दे दे रहे हैं, ये लिस्ट है आप रख लो, तो सिलेक्ट कर लिया, मतलब ऐड हो गया आप गिट में। अभी अपलोड नहीं हुआ, अभी सिर्फ सिलेक्शन हमने किया है कि भाई साहब ये वाला फाइल ना हम आपको बता दे रहे हैं, आप लिस्ट बना के रखे रहो अपने पास। फिर उसके बाद आता है गिट कमिट का, COMMIT, गिट कमिट -m, और फिर यहाँ डबल कोट में कुछ मैसेज दे दीजिए आप इस फाइल के बारे में। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम लिख देता हूँ, यहाँ पर यार फर्स्ट प्रोग्राम ये कर दिया। अब कमिट कमांड क्या करता है, कमिट कमांड ये करता है कि भाई साहब आप कमिट करिए कि ऐड कमांड के मदद से जितना फाइल सेलेक्ट किया है आपने, इन सभी फाइल को आप अपलोड करेंगे। कमिटमेंट कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, मतलब वचन दे रहा है कि हाँ ये फाइल पक्का अपलोड होगा। जैसे कोई एक्टर का डायलॉग नहीं था, एक बार कमिट किया तो फिर खुद की भी नहीं सुनता, तो भाई ये कमिट कर रहा है ये, ठीक। तो हमने कमिट कर दिया, कमिट कर दिया हमने, अब ये फाइल जो है जो एडिट हुआ हुआ है यहाँ पे, जो सिलेक्ट हुआ है वो पक्का अपलोड होगा। लेकिन अपलोड भी नहीं हुआ है, खाली हमने वादा किया है कि अपलोड करना है, अपलोड नहीं किया है अभी हमने, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, अब हमें अपलोड तो करना है, लेकिन कहाँ अपलोड करना है, तो अपलोड हमें यहाँ करना है इस वाले फेसबुक वाले रिपोजिटरी में। तो यहाँ पे हम आएंगे कोड सेक्शन में, और यहाँ पे लोकल, और यहाँ पे देखो कॉपी कर लेंगे। ऐसे कॉपी किया हमने, हमें बताना तो पड़ेगा ना कि अपलोड कहाँ करना है, तो उसके लिए है गिट, ये देख लो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं सारे। तो हमने कमिट वाला चला दिया, यहाँ पे मैसेज देना है, हमें करना है रिमोट एड ओरिजिन, रिमोट एड ओरिजिन, रिमोट एड ओरिजिन। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया मैं, इस कमांड से क्या होगा कि जो भी फाइल हमने अभी कमिट किया है वो फाइल अपलोड होगा, तो किस रिपोजिटरी में अपलोड होगा, इंटरनेट पे, मतलब गिटहब पे अपलोड होगा, तो किस रिपोजिटरी में, मतलब किस फोल्डर में, मतलब इस वाले URL में। तो हमने कर दिया एंटर, हो गया एंटर। अब चलिए, अब हमने बता दिया है कि भाई साहब इस वाले URL पे, मतलब इस वाले जगह पे अपलोड कर दो। अब फाइनल स्टेज हमारा आखिरी में आता है, गिट पुश ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन के बाद ब्रांच का नेम देते हैं, जैसे मास्टर है, ब्रांच व्रांच अभी मैं फालतू बोल दिया, ब्रांच सीधा आप ये लिखो कि हमें ओरिजिन कमांड देना, और लिख देना है मास्टर, ठीक। मास्टर क्यों लिखते हैं ये मैं बताऊंगा लेटर ऑन, लेकिन आप अभी याद रखो इतने ही कमांड।
ये मेन कमांड है। इस कमांड को जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये जितना फाइल कमिट हुआ है वो सारा फाइल इस वाले जगह पे, मतलब इस वाले रिपोजिटरी में अपलोड हो जाएगा। एंटर कर दूँ, हेलो। अब मैंने एंटर कर दिया तो फर्स्ट टाइम क्या कह रहा है जी, ऑथेंटिकेट रिमोट ओरिजिन, गेट रिमोट एड ओरिजिन। ये कह रहा है जी कि इनवैलिड है आपका। इनवैलिड कहाँ से है? मैं तो करूँ ठीक ही है। पोस्ट हाइफन यू देते हैं क्या? हाइफन यू मैंने दिया तो ये अब अपलोड होगा। यू का फ्लैग छूटा था, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब देखो ये मैं इंस्टॉल करने के बाद पहला बार अपलोड कर रहा हूँ कोड आपके सामने, तो इसलिए कह रहा है जी अब ऑथेंटिकेट करो। इससे ऑथेंटिकेट के लिए बोल रहा है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, साइन इन इन योर ब्राउजर पे। मैं ये पॉपअप खुला मेरे सामने, जैसे ही मैंने ये कमांड चलाया तो ये पॉपअप खुला ऑथेंटिकेट के लिए। अब मैं इस पर करूँगा क्लिक ब्राउजर, अब ब्राउजर अपने आप ओपन होगा। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, गिट ऑथराइज्ड। जैसे ही मैं ऑथराइज्ड पे क्लिक किया अब आप देखो अपलोड हो जाएगा। आ जा भाई, अपलोड हो गया, अपलोड हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और कह रहा है रिसेंटली अपलोड हुआ भाई। मारता हूँ मैं रिफ्रेश से, देखो अब रिफ्रेश मारा मैंने। अब आप देखना ये मेन है, ये मैं आता हूँ मास्टर पे, मास्टर वाले पे क्लिक करूँगा। आप देखना मास्टर पे हमने किया था, यहाँ पे मास्टर लिखा है तो ये मास्टर पे आएंगे हम। मास्टर पे हमने आकर सेलेक्ट किया मास्टर, और फिर देखो इंडेक्स, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ओपन हुआ। अब यहाँ पे लिखा है हेलो। मैं बैक आता हूँ और फिर ये देखो जो मैंने कमिट किया था वो मैसेज यहाँ पे आ रहा है। मैसेज तो कमिट के साथ एम फॉर मैसेज होता है जो फ्लैग हमने दिया था। तो मैंने अब CLEAR क्लियर में सारा कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मान लो इसमें थोड़ा सा कुछ एडिटिंग किया, एडिट पे आता हूँ मैं। अब हेलो है नीचे लिख देता हूँ HELO, सेव कर दिया। अब इसको मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ राइट। तो अब इसको अपलोड करना है तो कैसे करेंगे, हमें फिर से गिट ऐड चलाना पड़ेगा राइट। हमें चलाना पड़ेगा गिट ऐड। जैसे मान लो ना मैं बंद कर दिया पूरा इसको ऐड, मैं दूसरे दिन अब आता हूँ, मैंने यहाँ पे एडिटिंग किया, मैंने इसको एडिट किया, दूसरे दिन मैं आया एडिट किया और राइट क्लिक करूँगा। अब गिट बैश ओपन कर दिया मैं, गिट बैश ओपन किया मैं। अब मेरे को क्या करना है, इस फाइल में तो मैंने एडिटिंग किया है तो इसको मेरे को दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, कमांड चलाऊँगा गिट ऐड, और फिर क्या करूँगा इंडेक्स डॉट HTML, फाइल ऐड हो गया। अब फिर मैं कमिट करूँ, अब सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन अब हमें प्रॉमिस भी करना है, हमें वादा करना है कि अपलोड करना है जी, वजन तो अपलोड करोगे। तो अब गिट कमिट करेंगे और फिर, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेकेंड, मैंने एंटर मार दिया, कमिट हो गया। अब हमको क्या करना है, क्या दोबारा यहाँ पर पे मैं आकर के सेलेक्ट करूँगा? नहीं, अब मेरे को रिपोजिटरी सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हम दूसरे नहीं फेसबुक रिपोजिटरी के अंदर ही काम कर रहे हैं, इसलिए हमें रिपोजिटरी दोबारा नहीं सेलेक्ट करना है। मान लो कल को दूसरा रिपोजिटरी में काम करते, फेसबुक की जगह पे गूगल नाम का या दूसरा प्रोजेक्ट होता तो फिर हम रिपोजिटरी सेलेक्ट करते। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमें अब पुश कर देना है, तो गिट PUSH पुश, गिट पुश ओरिजिन, ये देख लो गिट पुश ओरिजिन, गिट पुश ओरिजिन, फिर मास्टर MASTER, मास्टर एंटर मारा। एलो, तो कह रहा है जी हो चुका सारा काम। अब मैं फिर से यहां पे आता हूं, रिफ्रेश करता हूं।
ये देखो यहाँ पे आ गया सेकंड, और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ देखो हेलो हेलो आ गया है। तो दो बार करो आप। अब अच्छा, पिछला बार जो अभी हमने क्या किया, गिट के बाद पुश के बाद सीधा ओरिजिन चला दिया, हमारा अपलोड हो गया, लेकिन पिछला बार अपलोड नहीं हुआ था, इनवैलिड करके कुछ बोला था, तो कुछ प्रॉब्लम रहा होगा जो है। तो आप दोबारा ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा अपलोड। तो इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का, जल्दी मिलेंगे।